आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा से बात की। क्या कहा संबित पात्रा ने, आइए देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी। आइए हम पूछते हैं कि जो चुनावी माहौल चल रहा है, जिस तरह की भाषाओं का उपयोग हो रहा है, वो कैसी भाषा है, क्या ये भाषा उपयोग होनी चाहिए या नहीं? देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के माता पिता के ऊपर कांग्रेस पार्टी रह रहकर हमला कर रही है, जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां माता पिता के ऊपर हो रही है, मुझे लगता है ये बहुत गलत राजनीति है और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हताशा और बौखलाहट की भाषा का प्रयोग कर रही है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के पिता को लेकर आज गाली देने का काम विलास राव जी, जो कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने किया है, इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता लोकतांत्रिक तरीके से देगी। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हम वोट वालों को देख लेंगे, 11 तारीख के बाद आप दिखेंगे भी नहीं, उसका मायने क्या निकाला जा रहा? देखिए, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग दिग्विजय जी को नहीं करना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति, एक अनुसूचित जाति से आए हुए व्यक्ति के लिए कहना कि तू दिखेगा नहीं 11 तारीख के बाद, कहीं ना कहीं ये सामंतवादी मानसिकता जो दिग्विजय जी का है वो दिखाता है। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।